मैंने आते ही ये मुझे विषय पहले ही था, क्योंकि मैं मुफ्फल कुछ ना रह चुका हूँ और मुझे इसका इलम भी है कि जब किसी ने नक्शा, जब आप कहीं सबमिट करते हो, मकान बनाना होता है तो उसके लिए जब आप नक्शा सबमिट करते हो, आप बड़ी तवक्कात रहते हैं कि मेरा नक्शा जल्दी जल्दी पास हो और मैं जल्दी जल्दी अपने घर का निर्माण करूँ। तो यहाँ कल आके जब मैंने ऑफिसर्स का रिव्यू लिया तो मुझे पता चला यहाँ कुछ पेंडेंसी है, तो लिहाजा मैंने निर्देश दिए हैं तो जो भी केसेस हमारे पास आए होंगे तो उनको हम अगले हफ्ते एक बिल्डिंग परमिशन की जो मीटिंग होती है उसको मुनक्कद कर रहे हैं और उसमें हम ये तमाम केस जो हमारी पेंडेंसी थी उसको क्लियर करें। सर, देखा गया है कि फार्मर्स जमीनों पे मकान बना रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब एक जम्मू एक अर्बन एरिया है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो रेगुलेटेड डेवलपमेंट है जी आज की डेट में। हमारे पास लगभग 654 किलोमीटर का एरिया है जो जम्मू अर्बन एरिया में आता है। तो इसको हम लोकल प्लानिंग एरिया भी बोलते हैं क्योंकि इसकी डेवलपमेंट जो है वो J&K डेवलपमेंट एक्ट के तहत की जानी है। तो इसके लिए अभी जम्मू मास्टर प्लान 2032 जो है ऑलरेडी लागू हो चुका है, जो म्यूनसिपल एरियाज को भी लागू है और जम्मू अर्बन एरिया को भी लागू है। तो इसके लिए जो प्रॉपर जोनिंग की जाती है उसमें जो टाउन प्लानर्स होते हैं वो देखते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा लैंड यूज, मसलन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पब्लिक, सेमी पब्लिक, कि भाई वहाँ पे दफ्तर कहाँ बनेंगे। ये खेती के लिए अलग से निहित होता है कि भाई हमें ये ग्रीन एरिया रखना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मास्टर प्लान में कुछ एरियाज जो हैं वो ग्रीन एरियाज भी रखे गए हैं। जी तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो रेगुलेटेड होती है, तो लिहाजा ऐसे इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास कि भाई लोग अपने खेती वाली ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जो लोगों की डिफिकल्टीज थी, हम मॉडल बिल्डिंग बायलाज जो हैं गवर्नमेंट को प्रपोज किए हैं और मोस्ट लाइकली वो जब ये लागू हो जाएंगे, जो भी हमें लगा लोगों की तौकात देखते हुए जो हम हमें चेंजेस करनी थी वो हमें रिकमेंड की हुई है, तो होपफुली जैसे ही ये मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू हो जाएंगे लोगों को इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। पंकज जी, एक सवाल। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में कहते हैं कि यहाँ फाइलें गायब हो जाती हैं, इस जमन में आप डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ शुरू होगी और क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि JDA ने इस चीज़ को, जिसकी बात आपने की कि फाइलों का डिले होता है, फाइलों की प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होती, जैसे यहाँ तक कि बताया आपने कि फाइलें गायब तक हो जाती हैं, इन सब को देखते हुए JDA ने एक मॉडर्न ऑटोमेशन जो है पूरे ऑफिस प्रोसेसेस का, जिसको हम ERP सॉल्यूशन बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन, वो हम कर रहे हैं और वी आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट। मैंने कल ही स्पेशली इसी काम के लिए एक मीटिंग ली है अपने तमाम ऑफिसर्स की और जो एजेंसी जो जकीका के थ्रू हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ कल मीटिंग ली है और हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं स्टाफ की कि कैसे कैसे इस सिस्टम को हम अपनाएंगे। एंड अगेन आई एम टारगेटिंग कि बाई नेक्स्ट वीक विल सिंपली स्टार्ट ई ऑफिस, तो हमारी सारी कार्य प्रणाली जो है कंप्यूटर के रहित होगी, प्रॉपर पता रहेगा कौन सी फाइल कब किसके पास गई, कब उसका अप्रूवल हुआ, किसके पास फाइल पेंडिंग है, क्यों वो जब पेंडिंग है, ऑल द लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी यू विल सी बाय वर्चू ऑफ दिस ERP सॉल्यूशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। एंड वी ऑलरेडी हमने ये सारा काम कर चुके हैं और हमारी स्टाफ की अभी ट्रेनिंग्स चल रही है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे बहुत पिलर टू पोस्ट जाना पड़ता है, इस ज़मीन में आपने क्या इंतज़ाम किए हैं कि ताकि उनको पोस्ट पिलर नहीं जाना पड़े? बिल्कुल, इसको और आवाम को सहूलियत देने के लिए कि उनकी जब भी उन्होंने कोई अपना लीज डीड्स वगैरह, यूजली हमने जो JD की प्रॉपर्टीज लीज पर हैं उसको ट्रांसफ़र करना है, जैसे बाप ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र करना है या इवन खरीद फरोख्त के सिलसिले में भी जो ट्रांसफ़र करना है या मॉर्गेज रखना है, इन सब प्रोसेसेस को हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं। जिस इंसान को इस ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी, जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा,
ही कैन, वो अब मतलब हमारे, हम जल्दी ही घोषित करेंगे न्यूज़पेपर्स में और आपके मीडिया के थ्रू भी कि भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आप ऑनलाइन अपने जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हो और ऑनलाइन जब अप्रूवल हो जाता है पेमेंट भी कर सकते हो। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द मिनिमम कंटेक्ट जो होता है हमारा और सब्सक्राइबर का, वो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं सो दैट जो चांसेस हैं जो करप्शन के और दूसरी जैसी आम बातें हम सुनने को मिलते हैं वो ना हो, कम हो।